अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा स्टार कुकिंग। तो आज मैं बना रही हूँ रवा डोसा। तो मैंने लिया है बारीक वाला डोसा, जो बारीक सूजी, आप मोटा, जो मोटा रवा होता है आप वो भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास ये बारीक था तो मैं बारीक ले रही हूँ। फिर मैं इसे मिक्सी में डालूँगी। और मैंने दो कटोरी लिया है, दो कटोरी बारीक ये लिया है। इसे मिक्सी में थोड़ा चला लेंगे ताकि ये और थोड़ा ना एकदम ऐसा पाउडर जैसा हो जाए। तो मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया है थोड़ा, और अभी इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसके अंदर अभी हमको डालना है दही। तो मैंने लिया है आधा कप के करीब दही लिया है मैंने। तो ये दही भी इसमें डाल देंगे। आपकी दही ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थिक वाली दही यूज़ कीजिएगा। तो ये मैंने दही इसमें डाल दी है, और अभी मैं इसके साथ में डालूँगी नमक। और नमक डालकर इसे, तो नमक भी मैंने आधा चम्मच के करीब, अपने स्वाद अनुसार नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने इसे नमक डाल के इसे अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे। और इसमें मैंने अभी डाला है आधा कप के करीब पानी, और अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये रवा डोसा बन रहा है, तो इसके डोसे के हिसाब की इसकी थिकनेस रखेंगे हम लोग। तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, कोई लम्स ना रहे, अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे मिक्स करके इसे मैं ना, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ठीक है तो आप पानी डाल सकते हो, क्योंकि सूजी जो है वो थोड़ी देर के बाद फूल जाएगी और फूल कर डबल हो जाएगी। तो अभी मैंने इसमें डाला है दो चम्मच के करीब आटा, गेहूं का आटा मैंने डाला है। तो इससे इसके अंदर एक पकड़ आती है और डोसा हमारा बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि आटे के जो लम्स है वो भी ना रहे इसके अंदर। बस इस तरीके से इसे मिक्स करते जाए, अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे से हिलाए आप लोग इसे, ताकि जो गेहूं का आटा है तो उसके जो लम्स है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए, वो कुछ भी इसमें ना रहे। तो अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी और इसकी चटनी की तैयारी भी करेंगे हम लोग। तो अभी देखिए इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो करीब पानी मैंने इसके अंदर डेढ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी यूज़ किया है, टोटल पानी बस यही थिकनेस चाहिए। इसे साइड पे करके चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर चने की दाल ली है एक चम्मच, ये चने की कच्ची दाल जो होती है वो है। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं, लाइट गोल्डन ब्राउन इसे भूनना है हमें अच्छे से। मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब तेल भी डाला है। बस इसी तरीके से इसे भूनते जाए, ये उड़ते चने की दाल है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको लाइट ब्राउन होने में। और जैसे ये लाइट ब्राउन होगी तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी रोस्टेड चना जो मिलता है बाहर, रोस्टेड चना जिसको दालियाँ भी बोलते हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आधा कप के करीब मैं इसके अंदर रोस्टेड चना की ये डाल दूँगी दालियाँ। अब इसे भी अच्छे से हम लोग भून लेंगे इसके साथ, ये दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनिए। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च दो, तो उसे तोड़कर कश्मीरी लाल मिर्च डाली, अच्छा कलर आएगा इससे। आप चाहो तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको लाल मिर्च नहीं डालनी है तो, लेकिन इससे कलर अच्छा आता है बस। और अभी इसमें मैं गिल्ला नारियल ऐड कर दूँगी। तो एक नारियल लिया था उसका आधा हिस्सा मैंने लिया है, तो इसी तरीके से इसको कट करके आधा नारियल भी इसमें ऐड कर ले आप। इसे भी अच्छे से भून ले नारियल के साथ सब चीज़ों को, और इसे भून कर एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे। देखिए इसे ठंडा होने दे, तो मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ रही हूँ अभी। तो जैसे ये ठंडा होगा मैं इसे मिक्सी के जार में निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसे मिक्सी के जार में निकाल लिया है। अब मैं इसको इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल दें, और आप इसे नमक डाल के, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, इसे मैं पीस लूँगी। ये देखिए ये चटनी मेरी रेडी है, माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आया है। अब चटनी का तड़का रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी थिकनेस देख रहे हो आप, थिकनेस आपके ऊपर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो थिकनेस को। और इसमें मैं दे रही हूँ 1 चम्मच के करीब तेल ले रही हूँ। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे, जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए
तो इसके अंदर हमको डालना है राई। तो मैं तेल गर्म हो चुका है तो मैं अब इसमें राई ऐड कर देती हूँ। राई के साथ ही मैं इसके अंदर राई थोड़ी हींग डाल दूँगी। तो हींग हमने एक चिपटी हींग डालनी है। बस ये हींग डालकर अब इसके अंदर मैं लाल मिर्च तोड़कर डाल दूँगी ताकि इससे चटनी का कलर, चटनी के ऊपर तड़का अच्छा दिखता है और अच्छी चटनी के अंदर फ्लेवर भी अच्छा आता है इससे। तो मैं ये सूखी लाल मिर्च इसमें मैंने तोड़ के डाल दी। देखिए आप लोग, अभी तड़का मेरा रेडी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पका लेंगे गरम तेल में और बस अब इसको मैं चटनी के ऊपर डाल दूँगी। तो गैस की फ्लेम यहाँ मैंने बंद कर दी है और अब मैं इसे चटनी के ऊपर डाल दूँगी। तो देखिए चटनी का कलर भी माशाल्लाह। और ये चटनी ऐसी है कि आप लोग इसे सिर्फ डोसे के साथ नहीं, रमज़ान में आप इसको किसी भी भजिए के साथ, किसी भी पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनती है। अगर आप चाहो तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। आप लोग नींबू का रस भी ऐड कीजिएगा। अब मैंने लिया है इसका बैटर, डोसे का बैटर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खाता सोडा, खाने वाला जो खाता सोडा होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं। इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा जो बैटर है वो फूल जाए अच्छे से। तो बस इस तरीके से इसको चलाते रहे, 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से चलाए इसी तरह। और अब देखिए ये फूल रहा है धीरे धीरे बैटर। जैसे जैसे इसके अंदर सोडा मिक्स हो रहा है वैसे वैसे बैटर फूल रहा है और ये फूल के एकदम ये हो जाएगा। तो बस अब इसे मैंने यहाँ साइड में, मैंने तवा भी गर्म कर लिया है, डोसा पैन गर्म हो रहा है मेरा। तो ये डोसा पैन गर्म हो चुका है, इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी से क्या होगा कि तवे का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा और तवे के ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, इसकी नॉन स्टिक टॉपिंग आ जाएगी, जिससे डोसा चिपकेगा नहीं, इजीली आप उसे निकाल सकते हो। और अभी मैंने इसमें हल्का सा तेल छिड़का है तवे के ऊपर। बस आप अपने हिसाब से डोसे या छोटा बड़ा जो भी साइज़ का आप बनाना चाहो वो हिसाब से। तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब बैटर लिया है और इसे अच्छे से घुमाएं हल्के हाथ से चारों तरफ से। ये देखिए माशाल्लाह, बस इस तरीके से ये देखिए। तो ये डोसा मेरा अच्छे से देखिए कितनी इजीली ये घूम गया है। ये देखिए अब इसको अच्छे से पकने देंगे और इसके ऊपर जैसे ये पक जाएगा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी आलू की जो भाजी बोलते हैं, सब्जी बोलते हैं, वो डाल देंगे। आलू का रगड़ा जो भी है तो वो मैं इसमें लगा रही हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसमें से थोड़ा निकाल लेती हूँ अभी। हाँ देखिए, तो बस अब इसी तरीके से आप सभी डोसे रेडी कर लीजिए। इफ्तार का भी वक्त हो रहा था, बहुत फटाफट से मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी शूट की है। इफ्तार के वक्त का एकदम करीब हो रहा था टाइम। और अब इसको देखिए ये अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ गया है साइड से भी, तो इसे मैं पलटा लेती हूँ। ये देखिए, तो अब मैं इसे माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे से ये पलट रहा है और यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये इंस्टेंट रवा डोसा। तो प्लेटिंग करने का भी मुझे वक्त नहीं था, इफ्तार का वक्त करीब हो रहा था। और मेरा ये रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।